नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बेक एंड कुक पैशन पर। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आज हम सीखेंगे सेमिया उपमा या शागे बात कैसे बनाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। प्याज, हरी मिर्च, उड़द दाल, पीनट्स, लेमन जूस, करी लीव्स, ग्रेटेड कोकोनट, कोरिएंडर लीव्स, टर्मरिक पाउडर और सीजेम सीड्स और मोटी वर्मीसिल्ली। पानी को उबाल लीजिए और उबलते हुए पानी में अपनी वर्मीसिल्ली डाल दीजिए। अब इसमें 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डालकर 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे उबाल लीजिए। अब 2 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लीजिए और उसमें पीनट डाल दीजिए। 30 सेकेंड्स के लिए इसको स्टिर कीजिए। अब सीजेम सीड डाल दीजिए, उड़द दाल डाल दीजिए और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक स्टिर कीजिए। अब इसमें प्याज और हरी मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स कीजिए। अब इसमें 1 टीस्पून शुगर और 1/2 टीस्पून साल्ट डालकर अच्छे से मिक्स कीजिए। अब इसको हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट पका लीजिए। जब तक वो पकते हैं हम वर्मीसिल्ली से पानी स्ट्रेन कर लेंगे। अब हमारे वर्मीसिल्ली पक चुके हैं तो इसमें का सारा पानी आप स्ट्रेन कर दीजिए और स्ट्रेन करते ही आप इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दीजिए ताकि ये चिपके नहीं। अब हमारे प्याज भी रेडी हो चुके हैं। अब इसमें आप अपनी वर्मीसिल्ली डाल दीजिए और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब इसे ढककर स्टीम कर लीजिए 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम के ऊपर। 3 से 4 मिनट बाद फ्लेम को हाफ कर दीजिए। अब इसमें नींबू का रस, कोरिएंडर लीव्स और ग्रेटेड कोकोनट डाल लीजिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब हमारे वर्मीसिल्ली उपमा बनके तैयार है दोस्तों। इसको आप कोकोनट चटनी के साथ सर्व कीजिए। इस मेथड को फॉलो करके वर्मीसिल्ली बनाने से वो चिपकेंगे नहीं दोस्तों। आप भी प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।